इस लेक्चर में भी हम लेफ्ट रिकर्सिव को ही देखेंगे कि ग्रामर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रामर जो कि सिंपल सिंपल हैं लेफ्ट रिकर्सिव लाइक डायरेक्ट। अब यहाँ आके मैं इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करने जा रहा हूँ जी। एक को मैं कहूँगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिवनेस एंड द अदर थिंग इज इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट को हमने किस तरह से कैटर किया था, किस तरह से देखा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे देख लेते हैं जी। एक एक रिकप हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ अ ग्रामर जो कि मेरे पास एक है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। क्यों? क्योंकि ए को आपने लेफ्ट साइड पे या उसकी जो सेल्फ कॉलिंग है वो लेफ्ट साइड पे हो रही है, ठीक है। और अगर इस तरह का सिनेरियो हमारे पास हो तो ग्रामर जो कुछ मेरे पास जो जिस तरह से बनती है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाती है। सो लेट मी शो यू दैट वो ए अल्फा बीटा के फॉर्मेट में आ जाती है। अब इस फॉर्मेट में हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी, वी हैव टू फाइंड आउट के इसमें ए क्या है, इसमें अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है। तो अगर मैं इस अबव ग्रामर को देखूं तो मुझे पता चल जाएगा सेल्फ कॉलिंग जो है वो ए पे हो रही है, तो ए इज़ ए इन दैट केस। बीटा क्या जो है, बीटा आपके पास क्या है, बीटा विल बी अदर थिंग जिसमें ए की जो सेल्फ कॉलिंग है वो लेफ्ट साइड पे ना हो। तो दिस सो एस ए विल बी आर बीटा एंड ए के बाद जो कुछ है वो अल्फा। सो दिस इज अल्फा। और अब जब मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम जो है उलमन आहू की जो बुक है उसमें से इन सेक्शन 4.3.3 एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्सिव। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट विल बी व्हेन आई अप्लाई दिस फार्मूला, तो मुझे मिल जाएगा ए इम्प्लाइज बीटा ए डैश। सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज एस ए एंड व्हाट इज ए डैश? ऑब्वियसली ए डैश विल बी ए डैश। अब इसे ए डैश कह लो, ए वन कह लो, यू कैन से एनी अदर वेरिएबल। और ए डैश मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? ए डैश विल बी अल्फा ए डैश। व्हाट वाज अल्फा? बी वाज अल्फा बी ए डैश एंड एप्साइलन या नल आप कह सकते हो। सो ये ग्रामर हमने देखी थी, इसके अंदर डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिवनेस थी और वो हमने इस फॉर्मूला से रिमूव कर ली। अगर मैं कहूँ कि ये ग्रामर है, आपने इसे देखना है लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं, तो एक तो आपको देखने से मिल गई कि ये डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिवनेस का केस था जिसमें डायरेक्ट सेल्फ कॉलिंग थी और आपने उसे इस फॉर्मूला के साथ रिजॉल्व कर लिया। अगर फर्स्ट लाइन को मैं कहूँ, फर्स्ट लाइन को चेक करते हैं, तो फर्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड पे कोई सेल्फ कॉलिंग नहीं है, ना तो एस कॉल हुआ हुआ है ना तो ए कॉल हुआ हुआ है कि हम इनडायरेक्ट, ये जो लिखा है मैंने, इनडायरेक्ट की तरफ जाएं और इनडायरेक्ट को देखें। सो इसका मतलब है जो फाइनल ग्रामर इस केस में मेरे पास आएगी दैट विल बी ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह का लाइक रिकर्सिवनेस का। ये ग्रामर बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। एक वो चीज़ आ जाएगी एंड द सेकंड थिंग इज दिस, मेरे पास जो फाइनल ग्रामर आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट कर्सिवनेस है कुछ इस तरह की, दिस विल बी माय फाइनल सॉल्यूशन। सो ये मेरे पास एक फाइनल सॉल्यूशन होगा। सो ये केस था जी हमारे पास डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन का। अब हम अगर थोड़ा सा अपना सिनेरियो चेंज कर लेते हैं, एक और ग्रामर को अगर हम देख लेते हैं, सो लेट्स सी व्हाट इफ हमारे पास ये एक ग्रामर है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिवनेस है या नहीं। तो मैं ये देखूंगा सेल्फ कॉलिंग मेरे पास लेफ्ट साइड पे हो रही है, हाँ जी बिल्कुल हो रही है, सो ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं नोट कर पा रहा हूँ वो ये है कि एस से आप कॉल कर रहे हो ए को, यू आर कॉलिंग एस से ए, एंड देन ए से क्या कॉल हो रहा है, ए से अगेन आपके पास एस को कॉल जा रही है। सो इट्स अ साइकिल। जब इस तरह का सिनेरियो आपके पास आ जाता है तो यू कैन से कि ये एक
इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन का केस है। और जब मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट रिकर्शन का, तो कॉलिंग देखनी है आपने, कॉलिंग आपके पास हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रामर अगर है, अगर लेफ्ट साइड से आपके पास कॉलिंग हो रही है तो फिर ही आप कह सकते हो तो ये इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन का केस है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसे आप सॉल्व ऐसे करेंगे कि फर्स्ट थिंग, आप फर्स्ट लाइन को देखो, फर्स्ट लाइन पे खाली एक चेक है कि इसके अंदर डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है या नहीं। DLR कह रहा हूँ, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है या नहीं। अगर है तो आपको पहले उसे रिमूव करना है, जैसा कि इस केस में हमारे पास डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है तो हम उसे रिमूव करेंगे। फॉर्मूला हम वही प्रीवियस जो हमने यूज़ किया था हम उसे यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और इसे अल्फा बीटा पे मैप कर लेना है फर्स्ट लाइन को। फर्स्ट लाइन को अगर हम मैप करें तो कैन सी दिस विल बी आर ए, ठीक है, क्योंकि सेल्फ कॉलिंग है, दिस इज़ ए, द रिमेनिंग पोर्शन इज़ योर अल्फा एंड दिस प्रोडक्शन इज बीटा। सो अब इसमें हम लेफ्ट रिकर्जन अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर विल बी एस इम्प्लाइज बीटा ए डैश, इसका मतलब है ए बी डैश विल बी एस डैश आ गया, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास एस डैश के अंदर क्या प्रोडक्शंस आती हैं। एस डैश इम्प्लाइज अल्फा, अल्फा क्या था, अल्फा विल बी स्मॉल ए बी एस डैश और एप्साइलन। सो फर्स्ट लाइन इसमें पहली चीज़ जब हम इनडायरेक्ट को रिमूव करते हैं तो हम बेसिकली जो पहला स्टेप है वो ये करते हैं कि फर्स्ट लाइन को हमने देखा इसमें डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन तो नहीं है, अगर है आपने उसे रिमूव कर लिया। आफ्टर रिमूविंग अब आपने ये समझना है कि ये लाइन यहाँ से ख़त्म हो गई है, बल्कि आई हैव दिस थिंग इन आर न्यू ग्रामर लाइन वन एंड लाइन टू। अब नेक्स्ट आपके पास लाइन जो आ रही है वो क्या आ रही है, दैट लाइन विल बी ए इम्प्लाइज एस और ए। अब यहाँ पे आप ये देखें कि कोई किसी किस्म की सेल्फ कॉल नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। लेकिन व्हाट इफ इनडायरेक्ट हो? अब इनडायरेक्ट के लिए मैं कैसे चेक करूँगा, मैं ऐसे चेक करूँगा ए जो कि एस को कॉल कर रहा है। अब एस प्रोडक्शन में आ जाएं, एस प्रोडक्शन में जैसे ही हम आए तो यहाँ पे मुझे पता चल गया आके कि इसमें एक प्रोडक्शन है जिसके लेफ्ट साइड से ए कॉल हो रहा है। इसका मतलब है एस को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, एस दोबारा से ए को कॉल करेगा, तो इस तरह से आई एम गेटिंग अ साइकिल हेयर। यहाँ पे एक मुझे साइकिल मिल जाएगा। इस साइकिल का मतलब ये है कि वी हैव अ इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन। और इसे हम रिमूव कैसे करते हैं? इसे रिमूव करने का तरीका है जी फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप इसमें फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये है कि आप इस एस वाली, आप इस ए वाली प्रोडक्शन में एस की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे। एस की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। सो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें बस ये था कि एस एक जगह आकर कर रहा था, इसके बाद कुछ भी नहीं था, तो फाइनल जो हमें ग्रामर मिली वो ये मिली। अब इससे ये हुआ कि इनडायरेक्ट जो लेफ्ट रिकर्जन थी वो रिमूव हो गई, या आप ये कह लें कि वो जो साइकिल था वो ब्रेक हो गया कि ए जो है वो एस को कॉल कर रहा है और एस अगेन ए को कॉल कर रहा है, तो वो साइकिल ब्रेक हो गया। अब अगेन हमें इसे देखना है कि इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन तो रिमूव हो गई, व्हाट इफ के इसके बाद इसमें डायरेक्ट रिकर्जन ना आ गई हो? और ऑब्वियसली वो आएगी जब आप इनडायरेक्ट साइकिल रिमूव करोगे। तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन आ गई है, तो अब हम क्या करते हैं, सेम ऐसे अल्फा बीटा के इस फॉर्मूला से देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो जब इस लाइन को हमने इस फॉर्मूला पे मैप किया अल्फा बीटा पे, तो जो फाइनल ग्रामर हमारे पास अब आई वो ये आई कि ए इम्प्लाइज बीटा ए डैश और ए डैश इम्प्लाइज अल्फा ए डैश एंड एप्साइलन। सो ये हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, ये फाइनल हमारे पास इसकी रिजल्टेंट ग्रामर होगी इस केस में। सो वी हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स बट वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।